सहर्ष अस्पताल ने बिल नहीं चुकाने पर शव को बंधक बनाया। जब मामला एडीएम तक पहुंचा तो 1,64,000 रुपए माफ किए और फिर शव को लौटाया। उज्जैन के सहर्ष अस्पताल पर मरीजों के परिजनों का आरोप, 8 दिन में 2,34,000 का अस्पताल का बिल, 60,000 का मेडिकल का बिल थमा दिया। इसके बावजूद मरीज की मौत हो जाने पर शव को देने से इनकार कर दिया। एडीएम को की गई शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने 1,64,000 माफ किए, तब जाकर महिला मरीज का शव परिजनों को दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमने 2 दिन पहले ही अस्पतालों के रेट तय किए थे, अगर किसी ने भी लिमिट पार कर बिल लगाया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल की मनमानी और बिलिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही है। ऐसी ही एक शिकायत आज सहर्ष हॉस्पिटल की आई है। यहाँ पिछले 8 दिनों से भर्ती कोविड मरीज रामकली सुनहरे के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन को 8 दिनों में लाखों रुपए देने के बावजूद भी मरीज की मौत हो जाने पर कुल बिल 2,34,000 का थमा दिया। जब मृतक के परिजनों ने बिल पर आपत्ति ली तो अस्पताल प्रबंधन ने शव को देने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा 2,34,000 का बिल बने जिसमें 36,000 रुपये एक दिन के ऑक्सीजन के चार्ज, 60,000 मेडिकल का बिल, रूम चार्ज 4,500 रुपये प्रतिदिन, 3,500 रुपये डॉक्टर की विजिटिंग फीस जोड़ दी। मामला बिगड़ते देख परिजनों ने एडीएम को फोन लगा दिया, जिस एडीएम ने अस्पताल प्रबंधन से बात कर कुल 1,64,000 माफ करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मैंने अपनी मम्मी को सहर्ष हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। यहाँ पे इलाज कोविड, यानी उन्होंने जांच करी तो कोविड आया था। उसके बाद जो इलाज करा तो 10 दिन में इनकी रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव। फिर उसके आज 8 तारीख को मम्मी की डेथ हो गई सुबह, और इनने जो मेरे को बिल बना के दिया है वो 2,34,000 का कुछ बिल दिया है, उसमें से 70,000 रुपये हमारे जमा थे और मेडिकल कुछ 60,000 का बिल बना के दिया है। तो इतना बिल गरीब इंसान कैसे भर देगा? क्या आपको ऑक्सीजन का इनका रेट है रोज का 3,600 रुपये, और हम लोगों से भी ये लोग टंकियाँ मंगाने की, आप भी रखो, आप भी लेके रखो, लाओ जल्दी से ऑक्सीजन साथ में। तो भर्ती करा था, जब मैं भर्ती कराने आया था जब इनने यही बोला था कि ऑक्सीजन साथ में लाओ तो भर्ती करें।